और आप लोगों के सामने रख दूं कि उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को, जैसा मैंने जोर बनाया कि गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर से दिल्ली से लोनी बॉर्डर पर प्रवेश करेगी माननीय राहुल जी की नेतृत्व में जो रात की हमारी पद यात्रा चल रही है। बाकी प्रादेशिक यात्राएं आज हर जिले में लगभग पूरी हो गई है। 6 प्रांतीय अध्यक्ष 6 जगहों से हम लोगों ने हर जिले में एक एक दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर की पद यात्राएं की है माननीय राहुल जी की जो पद यात्रा है उससे प्रेरणा लेकर के। और जो मैंने बताया कि 3 तारीख को लोनी से प्रवेश करेगी, इसके बाद गाजियाबाद जिले के बाद माननीय राहुल जी की यात्रा बागपत जिले जाएगी और बागपत जिले से फिर शामली जिला जाएगी और शामली जिला से फिर जो है वो हरियाणा के लिए थोड़ी पत होते हुए हरियाणा में पहुंच जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि माननीय चेयरमैन हमारे लो कोऑर्डिनेशन कमेटी के माननीय सलमान साहब हमें आपको स्वागत कराए। माननीय सलमान धन्यवाद सिवरी साहब, मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़ा दायित्व हम सबको सौंपा गया है। एक बैठक आज समन्वय समिति बनाई गई है उसकी बैठक के संबंध में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन जो बैठक हम करेंगे और जब निर्णय वहां पर हम देंगे और जो भी हम इस यात्रा के आगमन पर स्वागत करेंगे माननीय राहुल जी का, उन सब को लेकर आज जब हम चर्चा करेंगे विस्तार से चर्चा होगी, उसके बाद अगर आपको और कुछ सूचना देने की आवश्यकता होगी तो आपको वो सूचना भी दे देंगे। जो हमने अभी तक परिपेक्ष में जो तैयारी की है उसका जायजा लेने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। माननीय प्रियंका जी ने इस समिति को अपना आशीर्वाद दिया है और ये समिति पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको हर का निर्वाह हम कर सके। माननीय राहुल जी के लिए जो के की रिस्पॉन्सेस पूरे भारतवर्ष में मिली है हमारे लिए वो एक चुनौती है कि हमको भी पीछे नहीं रहना है, हो सके तो हमें आगे ही रहना होगा और इसलिए पूरा समय अब से लेकर जब तक राहुल जी की आगमन होता है 3 तारीख को हम लोग उसी में सब जुटे रहेंगे। ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम आपको हमारे नकुल जी यहाँ है लखनऊ से, लखनऊ क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो हम यहाँ पर इस यात्रा में राहुल जी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो आपको माननीय जयराम रमेश जी ने स्पष्ट किया था इस बात को और विनीत जी ने कि एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सीधी लकीर बनाकर जाने का एक प्रयास था और उसमें अगर वो लकीर वैसे ही रहती तो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाता, लेकिन सब लोगों के आग्रह पर और हमको ये आश्वासन दिया गया कि कुछ थोड़ा सा फेर बदल करके उत्तर प्रदेश को नहीं अकेला छोड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश में अवश्य आएंगे राहुल जी। और उन्होंने अब 3 जिलों में आने के लिए हमको जो संकेत दे दिए हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी नीत साहब ने कहा गाजियाबाद बागपत और शामली 3 जिलों से वो आएंगे, 3 जिलों में हम उनके साथ रहेंगे और उनको हरियाणा तक पहुंचाएंगे। हरियाणा पे वो अभी भी हैं, हरियाणा से दिल्ली 24 तारीख को आएंगे और फिर वापस हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि जो उनका संदेश है और उनका जो लक्ष्य है कि हम लोगों को और करीब से जोड़ते जाएं तो हरियाणा एक तरफ और फिर दिल्ली और फिर हरियाणा दूसरी तरफ और उत्तर प्रदेश और करीब आकर दोनों प्रांतों से जुड़ जाए, पूरे देश से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा इस यात्रा में और हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे इस यात्रा में। दो तीन इसमें जो बातें हैं वो मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, जो आपके लिए जो बातें आपके लिए आवश्यक हैं और उसके बाद फिर कोई प्रश्न होंगे तो उनका हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 3 जनवरी को दोपहर तक गाजियाबाद से यात्रा गाजियाबाद आकर होनी होती हुई और उसके बाद फिर आगे
पार्वत और पर्वत पे पहुंचेगी, शामली पहुंचेगी। हमारा लक्ष्य है, सच्ची बात यह है कि ज्यादा अच्छा मौसम और प्रांतों को मिला, हमारे हमारे प्रांत में आते आते और हमसे आगे चलकर यात्रा जहां पहुंचेगी, मौसम ठंडा होता जा रहा है, फॉग होता है सुबह, लेकिन उसके बावजूद हमारा पूरा प्रयास ये है और हमें विश्वास है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता खावरी जी के संचालन में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कम से कम 11,000 राज्य यात्रियों के रूप में निकल कर आएंगे और वो इस यात्रा में साथ चलेंगे, जो पैदल भी होगी और साथ में लाखों लोग रास्ते में निकल निकल के स्वागत करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। 11,000 हमारे स्थायी यात्रियों और वो स्टार्ट टू फिनिश चलेंगे, वो पूरे पूरे सड़क चलेंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश भर में जितने भी 3 जिले हैं उसमें रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये यात्रा, जिसे राहुल जी ने बार बार कहा है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, कांग्रेस संचालन कर रही है यात्रा की, लेकिन इसके साथ साथ देश में जो भी इस विश्वास के साथ जुड़ना चाहता है कि देश को एकत्रित रखना है, इकट्ठा रखना है, यूनाइटेड रखना है, उसका स्वागत रहा है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है वो यात्रा में आते गए, राहुल जी के साथ चर्चाएं होती गई और राहुल जी के साथ उन्होंने यात्रा में पूरा भाग लिया है, ये आपने कई दफा कई जगह देखा होगा। इसी तरह से और पार्टियों के लोग भी जो आना चाहें उनके लिए निमंत्रण होगा, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आएंगे। हमारा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि उनकर कालीन बनाने वाले लोग, दरी का काम करने वाले, पीतल ताले, चूड़ी, चिकन, चमड़े उद्योग से जुड़े हुए कारीगर यात्रा में आएंगे और शामिल होकर किसान यूनियन को भी प्रोत्साहन करेंगे, किसान यूनियन के नेताओं को भी शामिल करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आकर अपना योगदान देंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राहुल जी ने विशेष प्रकाश डाला है बेरोजगारी पर और नौजवानों की समस्याओं पर, विश्वविद्यालयों से हम छात्र प्रतिनिधियों को के मंडलों को भी यात्रा में शामिल करेंगे, इसकी हम समझते हैं कि यात्रा में बड़ी आवश्यकता है। और जो निर्देश आदेश और जो उत्साह राहुल जी नौजवानों के लिए दे पा रहे हैं उसमें वो लोग भी आ जाएं तो और अच्छा होगा। प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जैसे लेखक हैं, कविजन हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, उनको भी भारी भागीदारी इस यात्रा में पूरी मिलेगी। और फिर एक विशेष प्रयास हमारा रहा है कि विशेष प्रयास इस बात का है कि यात्रा में तो जो लोग आए उसमें निषाद, पाल, राजभर, नोनिया, नाई, चौरसिया, वाल्मीकि, कोरी, काछी, धोबी, ब्रेदासी समाज के अगुवा भी आए, उत्साह दिखाया है, हमसे संपर्क में है और उम्मीद करते हैं कि वो यात्रा में आप उनको देखेंगे। जो हमारी माटी से जुड़े हुए लोग कलाकार हैं, गायक हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनको भी आगे यात्रा में आने का अवसर मिलेगा और उनकी जो पेशकश होगी यात्रा में उनका योगदान होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए यात्रा को सुचारू ढंग से हम कर पाए, आज हमारा इस पे और थोड़ी चर्चा होगी, इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ वो समितियां भी गठित हो जाएं जो मोबिलाइजेशन कमेटी के नाम से, स्वागत कमेटी के नाम से, सुरक्षा कमेटी के नाम से और भोजन और पड़ाव प्रबंधन कमेटी,